सलमान खान बॉलीवुड में सबसे बड़े अभिनेता माने जाते हैं। उनकी फिल्म हमेशा नया रिकॉर्ड बना जाती है, लेकिन कभी उनके जीवन में भी वह समय था जहां उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई। आज हम आपको सलमान की ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि फिल्म 2005 में आई थी। इस फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही थी। वॉरियर पर बनी सलमान खान की वीर फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से जरीन खान ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था, लेकिन यह फिल्म उन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं दिला पाई। प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और अमिताभ बच्चन की गॉड टू सी ग्रेट हो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसमें सोहेल खान भी थे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। सलमान खान की कॉमेडी फिल्म हेलो ब्रदर 1999 में आई और यह फिल्म दर्शकों को पसंद आने के बावजूद भी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और संजय कपूर अवतार फिल्म में एक साथ नजर आए थे। अगर हम बात करें इस फिल्म की तो यह 1998 में रिलीज हुई थी और सलमान खान की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नीलम कोठारी और सलमान खान एक लड़का और एक लड़की फिल्म में एक साथ नजर आए। यह फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी और कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सलमान खान की वॉरियर पर पहली फिल्म सन 1992 में आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अमृता सिंह भी नजर आई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। यह फिल्म थी सूर्यवंशी। सुष्मिता सेन, सलमान खान, दिया मिर्जा इस तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म में एक साथ नजर आए थे। यह फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। रानी मुखर्जी, सलमान खान और प्रीति जिंटा हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म में तीनों बड़े स्टार साथ नजर आए थे और यह फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी, पर इस फिल्म को दर्शकों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। सलमान खान, संजय दत्त और करिश्मा कपूर की चल मेरे भाई 2000 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही। बड़े स्टार्स होने के बाद भी यह फिल्म फ्लॉप रही थी।